हेलो दोस्तों, टेकी नूरल यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास है Redmi 5। इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके साथ साथ इस कैमरा के कुछ सैंपल्स देखेंगे। Redmi 5 Xiaomi का एक बजट फ़ोन है और बजट सेगमेंट में इसका फर्स्ट 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला फ़ोन है। फर्स्ट इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद इस कैमरा के सैंपल्स और कुछ ओवरव्यू करेंगे। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सो Redmi 5 का बॉक्स जो है दिखने में कुछ इसी तरह दिखता है। सो फ्रंट में Redmi 5 बोल के लिखा हुआ है, बैक Xiaomi और MI का लोगो और इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड, और साइड में Redmi 5 और इस साइड में भी Redmi 5 बोल के लिखा हुआ है। और पीछे की तरफ देखोगे तो आप यहाँ पर Redmi 5 और इसके साथ साथ यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं। सो पहला स्पेसिफिकेशन जो है स्क्रीन साइज मेंशन किया गया है, 5.77 इंचेस फुल स्क्रीन डिस्प्ले, और नेक्स्ट वाला जो है LED फ्लैश लाइट, और थर्ड वाला जो है स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर के साथ आ रहा है और 3300 mAh बैटरी के साथ आ रहा है। उसका MRP जो प्राइस मेंशन किया गया है यहाँ पे 9999, अमेजान पे हमको ये 8999 पे मिल रहा है। और इसका सार वैल्यू जो है हेड सार वैल्यू जो है 0.8 है, बॉडी सार वैल्यू जो है 1.187 है। और यहाँ पे मेड इन इंडिया ब्रांडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे मेड इन इंडिया बोल के लिखा हुआ है। अभी जल्द से जल्द इसके बॉक्स को खोल देते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे सील को ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे सील है, देखते हैं। तो बॉक्स में क्या क्या मिलता है भी देखेंगे। तो पहला जो मिल रहा है अपन को, तो इसका केस दिया गया है, अच्छी बात है ये। तो इसके साथ साथ मोबाइल आ रहा है अपन को, इसको भी बाजू रख दे, उसके साथ साथ क्या आता है देखेंगे। एक Redmi 5 यूजर मैनुअल मिल रहा है आपको, क्विक सेट अपग्रेड, और उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे, वारंटी कुछ उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसको भी बाजू रख देते हैं। और पावर अडाप्टर, तो ये फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल चार्जर है। और उसके साथ साथ माइक्रो USB केबल मिल रहा है चार्जिंग के लिए बॉक्स में, और उसके साथ साथ सिम इजेक्टर टूल भी मिल रहा है यहाँ पे, तो सिम इजेक्टर टूल एक मिल रहा है, तो ये सब बाजू में रख देते हैं। फोन स्पेसिफिकेशंस कुछ इसी तरह से है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। पहले इस फोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे। पीछे की तरफ देखोगे तो आप पूरे मेटल बॉडी के साथ आएगा, और ऊपर और नीचे प्लास्टिक के साथ आ रहा है, और यहाँ पे आपको एंटीना बैंड्स दिखेंगे। और पीछे की तरफ देखोगे तो फिंगरप्रिंट सेंसर है और LED फ्लैश लाइट है, लेकिन ये ड्यूअल टोन नहीं होता, और ऊपर जो है कैमरा दिख रहा है आपको। और राइट साइड देखोगे तो आप वॉल्यूम रॉकर्स दिखेंगे आपको, नीचे पावर ऑन एंड ऑफ बटन मिलेगा। और लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको सिम ट्रे मिलेगा, सिम ट्रे जो है हमको नैनो सिम, दो नैनो सिम्स रख सकते हैं, या एक नैनो सिम या एक मेमोरी कार्ड रख सकते हो। फ्रंट साइड देखोगे तो आप स्पीकर दिख रहा है और एक फ्रंट कैमरा दिख रहा है यहाँ पे। और नीचे की तरफ देखोगे तो आप माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर और माइक्रोफोन दिख रहा है यहाँ पे। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे 3.5 mm हेडफोन जैक और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक और AIR ब्लास्टर दिख रहा है यहाँ पे। फ़ोन दिखने में बहुत ही रिच लुक दिख रहा है, क्योंकि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो की वजह से ये बहुत ही रिच लुक आ रहा है यहाँ पे। अब इसको ऑपरेट करके देखते हैं। फर्स्ट इसका फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करते हैं कितना एक्यूरेट है और कितना स्पीड है। सो अभी देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, सो
तो बहुत ही स्पीड है यहाँ पे, देख लेते हैं आप, ये बहुत ही स्पीड है और एक्यूरेट भी है। और इसके सेटिंग्स में जाके देखते हैं और क्या क्या मिलता है इसमें, सॉफ्टवेयर वर्जन और क्या क्या मिलता है देख लेंगे अभी। यहाँ पर डिवाइस नेम जो है रेडमी दिखा रहा है, मॉडल नंबर आके रेडमी 5 है और एंड्रॉयड वर्जन आके 7.1.2 एंड्रॉयड नंबर के साथ आएगा आपको ये। सो और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आगे जनवरी का मिल रहा है, MIUI 9 वर्षन आगे 9.2.7 है, CPU ऑक्टा कोर 1.8 GHz, जो रैम आके आपको 3 GB रैम मिल रहा है, इंटरनल स्टोरेज आगे 32 GB, लेकिन आपको मिल रहा 23.06 GB मिल रहा है यहाँ पे। और मैं अभी तक कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करा। और जो भी बटन जो भी है, ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन दिए गए यहाँ पे, फिजिकल बटन नहीं होते, ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन है। अभी CPZ ऐप में जाके देखेंगे, देखिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 1.80 GHz मिल रहा है यहाँ पे, टोटल कोर्स 8 दिखा रहे हैं यहाँ पे। डिवाइस में जाके देखेंगे आप, यहाँ पे डिवाइस में जाके देखेंगे, यहाँ पे मॉडल आके रेडमी 5 दिखा रहा है, टोटल रैम 2.8 GB, अवेलेबल रैम आके 1.451 GB दिखा रहा है, इंटरनल स्टोरेज 23.68 GB, अवेलेबल स्टोरेज आके आपको 21.49 GB दिखा रहा है। और सेंसर्स क्या क्या मिलते हैं देख लेंगे, सेंसर सेक्शन में जाके देखते हैं। यहाँ पे देखोगे तो एक्सेलेरोमीटर, जीरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, पूरे सेंसर्स मिल रहे हैं। अभी इसका वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं, वीडियो क्वालिटी कैसा रहता है। ये HD+ स्क्रीन है, Full HD स्क्रीन नहीं है। अभी देख लेते हैं इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है। वो स्मार्ट होम को भी आप थ्रू वॉइस कंट्रोल, वॉइस आउटपुट भी बहुत ही अच्छा है, तो वॉइस क्वालिटी कुछ इसी तरह से रहेगा। तो आवाज़ भी बहुत ही लाउड आ रहा। तो अभी इसके कुछ कैमरा सैंपल्स देखेंगे। ये जो पिक्चर से आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में ली गई पिक्चर्स है ये, मतलब रात के कंडीशन में। ये देख सकते हैं आप पिक्चर क्वालिटी कैसा आ रहा, ये भी रात के कंडीशन में लिया गया पिक्चर है। ये जो पिक्चर्स है डे लाइट कंडीशन में ली गई पिक्चर्स है, ये रियर कैमरा से लिया गया पिक्चर्स है पूरी है। ये सेल्फी है, फ्रंट कैमरा से लिया गया पिक्चर है, आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसा आ रहा है। ये भी रेयर कैमरा से लिया गया पिक्चर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ शेडोज और कलर्स कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ये भी सेल्फी पिक्चर है। ओवरऑल इस फोन तो दिखने में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 1080 एस्पेक्ट रेशियो रहने की वजह से बहुत ही रिच लुक आ रहा है फोन में। परफॉर्मेंस के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, एक हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद में मैं इसका फुल रिव्यू दे दूंगा और इसका कैमरा रिव्यू और गेमिंग रिव्यू के वीडियोस भी लेकर आऊँगा। अगर उस वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। गुड बाय।